नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। एक भारत एक आवाज, बुद्ध में भारत की आवाज की उत्तम प्रस्तुति के लिए एसएम न्यूज का बहुत बहुत साधुवाद। हमारे प्रबुद्ध महिला संघ की तरफ से सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। प्रस्तुत है वंदना जो प्रबुद्ध महिला संघ बरेली द्वारा कई वर्षों से गाई जा रही है। बोलो बोलो भूतम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि। भूतं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बोलो गच्छामि, बोलो गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बोलो पाराति पाता तेरे मणि, समाद्यामि। बोलो पाराति पाता मेरे मणि, देखा परम समाद्यामि। बोलो पूजा शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बोलो गच्छामि, बोलो गच्छामि, मेरे बड़ी देखा पदमी। बोलो आदित्य दाना मेरे बड़ी देखा पदमी समाद्यामी। बोलो पूजन चरणम गच्छामि, धम्मं चरणम गच्छामि। बोलो गच्छामि, बोलो गच्छामि, संघं शरणं। बोलो कामेषु विरचरा मेरे मणि, देखा पदमि समाद्यामि। बोलो कामेषु विरचरा मेरे मणि, देखा पदमि समाद्यामि। बोलो भूतं गच्छामि, धम्मं बोलो गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बोलो पूजा बाधा मेरे मणि, देखा पदम समाद्यामि। बोलो बाधा मेरे मणि, देखा पदम समाद्यामि। बोलो भूतं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बोलो गच्छामि, बोलो गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बोलो चुरामि मजे प्रमादे साना मेरे मणि, देखा पदमि समाद्यामि। बोलो चुरामि मजे प्रमादे साना मेरे मणि, देखा पदमि समाद्यामि। बोलो भूतं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बोलो गच्छामि, बोलो गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध की, बाबा साहब अमर रहे।
नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। एसएम न्यूज़ आपके लिए लेकर आया है एक ऑनलाइन शो, और इस ऑनलाइन शो का नाम है एक देश एक आवाज़, बुद्ध में भारत की आवाज़। और यदि आप अच्छा गा सकते हैं तो आप इस ऑनलाइन शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इस ऑनलाइन शो के अंदर आपको मिलेंगे ढेरों सारे इनाम। और पहला इनाम जो है, जो पहला विजेता होगा उसको मिलेगा 10,000 कैश प्राइज, और जो दूसरा प्राइजेज है, जो द्वितीय पुरस्कार है उसको मिलेगा 5,000 का कैश प्राइजेज, और जो तृतीय पुरस्कार होगा उसको मिलेगा 3,000 रुपये का कैश प्राइज, और जो फोर्थ पोजिशन पे आएंगे उनको मिलेगा 2,000 रुपीज़ का कैश प्राइज, और जो फिफ्थ पोजिशन पर आएंगे उनको मिलेगा 1,000 रुपीज़ का कैश प्राइज। अभियुक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त आप तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब के स्मृति चिन्ह साहित्य पा सकते हैं, और आपको मिलेगा साथ में सर्टिफिकेट। करना आपने सिर्फ इतना सा काम है, अपने गूगल पर जाना है, अपने यूट्यूब पर क्लिक करना है। अगर यूट्यूब आपका पहले से खुला हुआ है तो आप यूट्यूब पर लिखें एसएम न्यूज़। जैसे ही आप एसएम न्यूज लिखेंगे तो आप इस तरीके से आपको एसएम न्यूज दिखाई देगा, और एसएम न्यूज को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। एक देश एक आवाज, बुद्ध में भारत की आवाज, ये आप देखेंगे आपको फ्रंट पे नजर आएगा, यहाँ पे राइटिंग पे भी नजर आएगा, और आप यहाँ पर देखेंगे ये लिंक आपको नजर आएगा। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ फॉर्म खुल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता, जीमेल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, नहीं तो जीमेल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। एक देश एक आवाज, बुद्ध में भारत की आवाज का ये फॉर्म है पूरा, जिसे आपने भरना पड़ेगा। आप इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ लें, यह एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है एक देश एक आवाज की। आपने त्रिशरण बुद्ध वंदना इसमें गानी है, बुद्धम शरण गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि, जिसका जो ड्यूरेशन होगा वो 3 मिनट से 5 मिनट के बीच का होना चाहिए। आप इसके अंदर किसी भी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ढोलक, ढपली, खंजरी, हारमोनियम, गिटार, तबला वगैरह जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आपका पुराना वीडियो नहीं होना चाहिए। अगर आप इस पुराना वीडियो भेजते हैं तो आपका नाम काट दिया जाएगा और इसमें आप दोबारा से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप ग्रुप में भी गा सकते हैं, अगर ग्रुप में कोई गाता है तो भी उसी एक ग्रुप को ही वो अवार्ड एक व्यक्ति विशेष को मिलेगा, चाहे वो पूरा ग्रुप ले ले। जो 3 से 5 मिनट का समय आपको बुद्ध वंदना का गाने को दिया गया है, उसके बाद आप अपने टैग नंबर के साथ इसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को अपील कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाने को अपील कर सकते हैं, कमेंट करवाने को अपील कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रतियोगिता के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ जिसका वीडियो देखा जाएगा YouTube पर, मैं आपको दोबारा बता दूं, जिन टॉप 10 वीडियोस को सबसे ज्यादा देखा जाएगा उन 10 वीडियो में से हमारे जजेस उन 5 प्रतिभाशाली विजेताओं को चुन के निकालेंगे, और वही होगा एक देश एक आवाज, बुद्ध में भारत की आवाज का विजेता। एसएम न्यूज यूट्यूब चैनल ने एक बड़ी पहल की है, भारत के बौद्ध में भारत में जो भगवान बुद्ध का त्रिशरण और पंचशील है उसको आप गाइए और इनाम पाइए। ये अपने आप में पहला प्रयास है और अभी प्रयास की शुरुआत है। ऐसे प्रयास वो और भी करेंगे, और भी लोग करेंगे, पूरी भारत करेगा, दुनिया करती है। गायन जो क्षेत्र है वो भगवान बुद्ध के समय में, उससे पहले भारत के लोकगीतों में बड़ा फेमस रहा है, और जब ये त्रिशरण और पंचशील आए और त्रिशरण पंचशील तो सभी लोग इसको बोलते थे और गाया करते थे, क्योंकि जब आप त्रिशरण और पंचशील गाते हैं तो एक अलग तरह की शांति और आपको सुख प्राप्त होता है। इसलिए नहीं कि कोई चमत्कार है, इसलिए कि आपकी जो अच्छी भावना है, जो आपके पुण्य कर्म हैं, जो आपके गुड वर्चूज हैं, जो आपके राइट वर्चूज हैं, जो आपकी अच्छी परंपराएं हैं, वो बलशाली होती हैं, वो बल प्राप्त करती हैं और आपको अच्छा महसूस कराती हैं। जितने भी राग हैं, जितने भी गाने हैं, आप उनकी पैरोडी पे इसको गा सकते हैं, लोड कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर जो यहाँ दी हुई है। दरअसल आप इनाम के लिए मत गाइए, आप गाइए इस बात के लिए कि भारत में ये जो गुंजन है, ये जो गायन है, ये गली गली और बच्चे बच्चे के जवान पर था, और इसको सभी तरह से लोग गाया करते थे। ये कोई नहीं देखता था कि कैसा गाया और कैसा बोला, ये देखते थे कि इसने गाया या नहीं गाया। इसलिए आप उस परंपरा को जीवित रखते हुए ये भूल जाइए कि आपकी आवाज कैसी है, आप गा कैसा रहे हैं, कहीं इसमें अच्छे और खराब का नहीं है। जो इसके जज चुनेंगे अच्छा खराब, वो अपने हिसाब से इनाम देंगे, मगर अगर आपकी भावना अच्छी है, आपका मन अच्छा है, तो 200% आपका गायन शब्द बहुत बढ़िया निकलेंगे। आपको गाना क्या है, दो तरह से गाना होता है, एक संस्कृत भाषा में और एक पाली भाषा में।
यहाँ आप पाली भाषा में गाइए, क्योंकि पाली भाषा में इसका ओरिजिनल पुट आता है, ये पाली भाषा का ही है। पाली भाषा में बाद में मैं नहीं आता, जैसे हम ये कहें कि बुद्धम, तो बुद्ध अम हो गया, मैं बाद में आ गया, तो इसको हम अंग बोलते हैं। जहां जहां मैं लगता है वहां वहां अंग हो जाता है। तो आप गाइए बुद्धंग शरणंग गच्छामि, धम्मंग शरणंग गच्छामि, संघंग शरणंग गच्छामि, इति पीसो भगवा अरहंग सम्मासम बुद्धस्य। ये सब आपको तीन बार गाना है, तीन बार इसको बोलना है। आप भले ही इसे द्वितीयम्पी तृतीयम्पी करके ना बोलें, लगातार तीन बार बोलें और किसी भी गाने की पैरोडी पे मिक्स करके उठा के बोलें। आप गाएंगे, आप हजारों एंट्री भेजेंगे, आपके बच्चे सब गाएंगे, आपकी झिझक खुलेगी, आपको पता चलेगा कि ये जो गुंजन है पूरी दुनिया में चलता है। अगर आप इंटरनेट उठा के देखेंगे तो हर भाषा में बुद्धं शरणं गच्छामि गाते हैं। जापान के जो भनते हैं सुराई ससे जी, अगर आप उनको देखेंगे, उन्हें हिंदी तो यहाँ सीखी है सारी, तो उनकी जो जापानी लैंग्वेज है वो उसके हिसाब से गाते हैं, क्योंकि हर जगह बुद्धं शरणं गच्छामि गाया जाता है। तो वो बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, वो भी अच्छा लगता है। आप अगर गाएंगे बुद्धं शरणं गच्छामि तो भी अच्छा लगेगा। आप अगर अफगानिस्तान का जो गाना, अफगानिस्तान में जो बुद्धं शरणं गाया जाता है, उस तरह से गाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। आप इसे किसी भी गाने की पैरोडी पे गा के देखिए, जो गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसकी पैरोडी में बदल दीजिए, धुन वहां से लीजिए, शब्द यहां से लीजिए, देखिए चमत्कार होगा और आपका गायन बहुत बढ़िया होगा। गाइए जरूर, क्योंकि अगर आप गाएंगे नहीं तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। जब आप इसको गाएंगे तो इसका अर्थ ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आपके मन मस्तिष्क में उतरता चला जाएगा और आपको धम्म में पूरा शरीर महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा, आप इसे नहाते समय गुनगुनाइए, जाते समय गुनगुनाइए, जब आप बस में बैठे हैं तब गुनगुनाइए, अगर कहीं आप काम कर रहे हैं तो मनी मन में इसको गुनगुनाइए, खाना खा रहे हैं खाना खाने के बाद गुनगुनाइए, सोते से पहले एक बार गुनगुनाइए, देखिए इसका जादू। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि तिब्बत के लोग एक जो जाप है वो कहते हैं ओम मणि पद्मे हूं, तो उन्होंने ओम मणि पद्मे हूं को अपने हिसाब से, क्योंकि पद्मे हूं का मतलब होता है पद्म जो कमल है, कमल की मणि, यानी कमल की सबसे मुख्य है। कमल मणि का मतलब होता है भगवान बुद्ध कमल पे, ऐसा बताते हैं, कमल के थ्रू आए थे और हाथी कमल लेके आया था, फिर जब चले तो सात वहां पे कमल का तालाब था, सात कमल वहां खिले हुए थे। कमल उनके जीवन में बहुत ज्यादा है और कमल का उन्होंने बहुत ज्यादा एग्जाम्पल भी दिया है। तो ओम मणि पद्मे हूं जो है वो ओम मणि पद्मे हूं का मतलब है कि कमल की मणि को खिलने दो, यानी कि धम्म को आगे बढ़ने दो। तो उसको बड़े मजे से गाते हैं, 24-24 मिनट तक एक ही जाप को रटते रहते हैं। आप इसको लगातार लगातार गाएंगे बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं मम 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 धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं मम 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 धम्मं शरणं गच्छामि। किसी भी तरह से गाइए आप इसको, आप इसकी हजारों लाखों तरह से गा सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा कि आप बुद्धं शरणं गच्छामि को 1,00,000 प्रकार से गा सकते हैं। जितने दुनिया में गाने अब तक बने हैं हर गाने की धुन पे गा सकते हैं। आप इसको सत्यम शिवम सुंदरम का जो गाना है उस पर भी गा सकते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, गच्छामि गच्छामि। तो किसी, जब मेरे जैसा आदमी जो कभी गाता नहीं है वो गा सकता है, तो आप तो गुनगुनाते रहते हैं। गाइए, मुस्कुराइए और इनाम पाइए। 10,000 का इनाम, 5,000 का इनाम आपका इंतजार कर रहा है। पूरी दुनिया में आप छाएंगे, पूरी दुनिया में आपका नाम जाएगा। साथ ही पता चलेगा कि भारत में इतने सारे धार्मिक लोग हैं कि एंट्रियां हजारों लाखों आ गई, छाटना भारी पड़ गया। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए होता क्या है। धन्यवाद।